सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज ये वीडियो होने वाली है प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी कंपनी का नाम है वाओ कंपनी, जो कि वाओ की तरफ से आते हैं। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बात मैं पहले क्लियर करके चलना चाहती हूँ। जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ उन्हीं का मैं मोस्टली रिव्यू देना चाहूंगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे को सूट कर रही है आई थिंक बेटर यही है। जिसका रिजल्ट मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है मेरा प्रोडक्ट, जो कि मेरा है एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, जो कि वाओ की तरफ से आता है। इसको मैं एक साल से यूज कर रही हूँ, काफी टाइम होने वाले हैं, एक साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये मेरी थर्ड या फोर्थ बॉटल है, जो कि मैं सोचा कि अब मैं रिव्यू देती हूँ। मोस्टली हम लोग यार क्या करते हैं, हमारे चैनल पर हम लोग आउटिंग के लिए ज्यादा जाते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता मैं किसी भी प्रोडक्ट की रिव्यू दूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो मैं अब रिव्यू बना देती हूँ, रिव्यू वीडियो बना लेती हूँ। तो गाइज, ये है, ऐसी पैकेजिंग आती है। ये मैंने कल ही ऑर्डर किया था और आज ही मुझे रिसीव हो गया। मैं मोस्टली अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नायका से ही मंगवाती हूँ, ये देखो नायका, क्योंकि इसकी इतनी डिलीवरी फास्ट है। मेरे आसपास के मतलब जो भी रिलेटिव है वो भी नायका से ही ऑर्डर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की गारंटी होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार सुना है फ्लिपकार्ट से ना प्राइस सेम है, बट अगेन फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी आती है प्रोडक्ट्स की। रिव्यूज़ पढ़ती हूँ मैं, तो मैं रिव्यूज़ पढ़े बिना किसी भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करती, और नायका में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाइस, ऐसी पैकेजिंग होती है इसकी। मैंने अभी पैकेजिंग हटा दी, पॉलिथीन के अंदर रैप करके आता है, इसके अंदर ऐसे करके आता है ये। तो मैं अब इसके बॉक्स को भी साइड कर देती हूँ। और बॉक्स के बारे में मैं एक बात बहुत अच्छी बताऊंगी वाओ कंपनी के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वाओ कंपनी के बॉक्स के बारे में सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगी, किसी भी कंपनी ने आज तक ये चीज नहीं डाली कि आप किसी भी चीज के लिए टिप्स दो, टिप्स नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ओनली। लाइक कि पहले तो इन्होंने दिया है हाउ टू यूज, इनके शैम्पू, इस शैम्पू के बारे में बताया हाउ टू यूज, जो कि सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता है। उसके बाद इन्होंने दिया है टिप्स टू रिमेम्बर। टिप्स टू रिमेम्बर के अंदर इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स उन्होंने बताए, जिसके अंदर मैंने जब रीड किया था मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी का ऑयली स्कैल्प है उसके लिए टिप्स बताई हैं, किसी का ड्राई स्कैल्प है उसके लिए टिप्स बताई हैं, आपको कैसे पिलो कवर, किस पिलो कवर के मटेरियल पे सोना चाहिए, लाइक कॉटन का पिलो कवर है उस पर नहीं सोना चाहिए, सैटिन का है, ये सब है। एक पॉइंट में आपको पढ़ के बता देती हूँ, मेरा ऑयली स्कैल्प है तो मैं इसे जरूर पढ़ के बताऊंगी। इन्होंने एक चीज दे रखी है, फॉर ऑयली ग्रीजी स्कैल्प ब्रश योर हेयर टू लूजन डर्ट एंड ग्रेम, शैम्पू वेल, यूज लाइट मसाज स्ट्रोक ऑन द स्कैल्प टू प्रिवेंट एक्सेस सेबम प्रोडक्शन ऑन द रूट्स। मतलब कि अपने बालों को अच्छे से कॉम करो, ये सब चीजें करो कि जो आपकी डर्ट अंदर फंस जाती है स्कैल्प के अंदर वो इजीली निकल जाए। मतलब ऐसे करके काफी सारी टिप्स हैं जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और प्लीज किसी भी कंपनी के बॉक्स को फेंकने, प्रोडक्ट के बॉक्स को फेंकने से पहले उसको अच्छे से रीड कर लिया करो। तो मैंने ये शैम्पू क्यों मंगवाया था, क्यों यूज करती हूँ, मैं उसका रीजन बता देती हूँ। पहली बात तो इसकी कॉस्टिंग है 499, जो कि आपको हमेशा ये ऑफर में 312 अराउंड, मेरे को अभी 312 अराउंड रिसीव हुआ है, एक बार मुझे 250 भी रिसीव हो रखा है, तो मैंने उस टाइम पे भी मंगाया था इसको। मेनली मैं इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करती हूँ, उसके तीन रीजन है। ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और मेन बात यह है पीएच बैलेंस शैम्पू है, और काफी सस्ती रेंज में मिल जाता है। इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कोई शैम्पू मिलेगा आपको इस रेंज के अंदर। सबसे अच्छी मुझे इसकी कैप लगती है, ऐसे पंप वाली कैप है, वो नहीं है लगाओ लग रहा है, नहीं, पंप वाली इसकी कैप है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, कि जो कि आपको एक काफी रिच क्वालिटी टाइप का प्रोडक्ट आपको इस रेंज के अंदर रिसीव हो जाता है। स्मेल, फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है, लगता है सच में मैं एप्पल से ही नहा रही हूँ। मेरा ऑयली स्कैल्प है, मेरे मेन रीजन मेरा ये था इसको मंगाने का, क्योंकि ऑयली स्कैल्प के अंदर ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। आपका जो ऑयली स्कैल्प है उसको ऑयल डर्ट रिमूव कर देता है, काफी अच्छे से स्मूथ हो जाते हैं हेयर, अगर आप इसके कंडीशनर भी यूज नहीं कर रहे हो। मैंने एक बार इसका कंडीशनर मंगाया था कोकोनट वाला समथिंग, उसका नाम कोकोनट से रिलेटेड होता है, उसने मेरे हेयर को वॉल्यूमाइज कर दिया, जो कि मेरे बाल ना ऑलरेडी शैम्पू के बाद बहुत वॉल्यूमाइज हो चुके हैं। मैं अभी शैम्पू करके बैठी हुई हूँ, मेरे को मेरे बालों को वॉल्यूमाइज करने की नीड नहीं होती, मेरे को बस थोड़ा सा ना उनके अंदर कैसे समझाऊँ, फ्रिज रिमूव करना होता है, जो कि उस शैम्पू ने नहीं करा, उसने मेरे बाल हल्के से रफ कर दिए और बहुत ज्यादा वॉल्यूमाइज कर दिए। तो इसलिए मैंने उस शैम्पू को, उस कंडीशनर को अपने फ्रेंड को दे दिया जो कि उसे यूज करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके कैमरे के पीछे बैठा है आपका होस्ट और आपका दोस्त, मैं उस शैम्पू को यूज करता हूँ, क्योंकि वो शैम्पू मुझे फ्री पड़ने मिला था, जिसकी कॉस्टिंग कंडीशनर हाँ, तो वो मेरे को फ्री में मिला था, इसलिए मैं उसको यूज कर लेता हूँ। वो मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि हम इंडियन को फ्री की पूरी सब्जी अच्छी लगती है। और इसने मुझे ये बात बोली कि तू मेरी तरफ से रिव्यू दे दे, कि अगर मैं शैम्पू को नॉर्मल, अगर मैं शैम्पू करता हूँ नॉर्मल तो मेरे बाल कर्ल हो जाते हैं, पर लेकिन जब मैं उस कंडीशनर को यूज करता हूँ तो मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है तू ही यूज कर, तुझे मुबारक, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा।
हाँ इसके बालों को वॉल्यूमाइज की इसको बालों को वॉल्यूम करने की जरूरत होती है, तो मेरे बालों को नहीं होती, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, तो मैं उसके बारे में बता दिया आपको। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके पीछे ना इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी सल्फेट फ्री या पैराबिन शैम्पू को यूज करना चाह रहे हो आफ्टर कलरिंग योर हेयर, इट इज मस्ट टू यूज सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू, क्योंकि सैलून वाले भी आपको यही बोलते हैं, 1500-1600 का शैम्पू पकड़ा देते हैं, बोलते हैं ये आपका पैराबिन और सल्फेट फ्री शैम्पू है, मैम दोनों केमिकल फ्री है तो आपको महंगा ही पड़ेगा। आज मैं आपको बोल रही हूँ इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 312 रुपीज है, जो कि आपको 3 to 4 times आई थिंक 1500 में आप 5 महीने यूज करने के बाद आपको उतनी पड़ेगी जितना आप 1500 का एक शैम्पू यूज करोगे। तो मुझे बेस्ट शैम्पू लगता है, मेरे बाल ब्लीच्ड है, ब्लॉन्ड है, उसके बाद भी ये मेरे बालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता, कोई भी हानि नहीं देता, इतने स्मूथ हो जाते हैं मेरे बाल अगर मैं सिर्फ नॉर्मल ऑयलिंग करके भी इसको यूज कर लूँ। बेस्ट शैम्पू, बेस्टेस्ट शैम्पू मैं करती हूँ 3 to 4 days के अंदर अंदर, मतलब हफ्ते में 3 बार भी कर लेती हूँ, 2 बार भी कर लेती हूँ, और ये मेरा लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि मेरे ऑयल स्कैल्प में कब तक नहीं आता, जब से मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ तब से मेरा 2 दिन तो नहीं आता, 2 से 3 दिन नहीं आता। आप सोचोगे 2 से 3 दिन पे इतनी बड़ी बात क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी पहले जब मैं नॉर्मल डब वगैरह का शैम्पू यूज करती थी, कि मेरा ना वॉश करने के बाद ही अगले दिन तक शाम तक ही मेरे बालों में बहुत ऑयल आ जाता था, जो कि इसकी वजह से नहीं आता। अब हमारा लाइफस्टाइल आपको पता ही, हमारा पूरे दिन बाहर निकलता है, धूप धाप धूल धूल मिट्टी, स्कूटी पे यहाँ से वहाँ घूमना, गाड़ी वालियों का हमारी अभी है नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हम जल्दी से पैसा खरीद हमारा पैसा आएगा, हम गाड़ी खरीदेंगे, फिर हम आपको बताएंगे गाड़ी में बैठ के कौन सा शैम्पू लगाएं। बस बोलना, तूने बोल दिया, तू यही डालियो, जैसे इसने बोल दिया कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे हमारे पास उतना जल्दी पैसा आएगा, और हम पे पैसा जब आ जाएगा तब हम गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कौन सा शैम्पू आपको यूज करना चाहिए, सीधा गाड़ी में बैठ के शैम्पू, क्योंकि फिर मेरा लाइफस्टाइल बदल जाएगा, देन मैं किसी भी चीज को एक्सपेंसिव चीज को बहुत अच्छे से खरीद सकूंगी, किसी भी चीज के ऊपर अपना अच्छा एक्सपेंस खर्च कर सकती हूँ। सो ये रहा इतना इसके शैम्पू के बारे में। माना कि मैंने एक चीज का मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो के अंदर, वाओ का ही है वो चीज भी, माना वो चीज मैंने अभी नहीं मंगाई, मेरे को यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है, जो कि मैं इधर दिखा देती हूँ, बॉटल है, बॉटल का काफी गंदा हाल कर चुकी मैं, ये ऑयल है, ब्लैक ऑनियन सीड्स ऑयल है ये वाला, जो कि वाओ की तरफ से रिसीव हुआ है। स्टार्टिंग में मैं इसको यूज नहीं कर पाती थी, क्योंकि ना मुझे लगता था कि शायद अच्छा नहीं है, मैं सरसों ऑयल यूज करना प्रेफर करती थी, फिर मेरी किसी फ्रेंड ने बोला कि प्योर सरसों ऑयल यूज करे तो बात भी है, नॉर्मल यूज करे तो क्या फायदा है, केमिकल खराब ही तो आता है, ओरिजिनल थोड़ी ना मिल रहा है। तो फिर मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, जो कि मुझे इतना अच्छा लगता है, ये नॉन स्टिकी, अगर मुझे मार्केट भी जाना है ना इसको लगा के, तो मैं चंपूलाल भेड़े बन के नहीं जाती, ठीक है मैं पोनी करती हूँ, मैं आई एम गुड टू गो। मैं ये ऑयल काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, 1 साल हो गया मुझे, ये वाटर मेरी 1 साल चलने वाली है, स्टार्टिंग में मैंने नहीं यूज करा, पर मेरी 1 साल हो जाएगा इसको, और इसकी भी पंप वाला है, इसका बॉटल कैप मैं ना खो दिया मैंने, देखो ऐसे यूज निकलता है, ऐसे पंप करके निकल जाता है, और बहुत मजा, फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है, जिसके सर में दर्द होता है उसको इसको लगा के दर्द नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में जाते हो, वर्किंग भी हो, तो आप इसको इजिली यूज कर सकते हो, आपके हेलमेट वगैरह में भी इतनी कोई ज्यादा स्मेल नहीं हो जाएगी। पहले मैं ऑयल रिमूव कर दूँ। इसकी कॉस्टिंग है 600 रुपीज, जो कि मुझे 450 पड़ी थी जब मैंने इसको लिया था, आपका मुझे पता नहीं है कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने जैसा कि पता है मैं नायका से ही खरीदती हूँ, आप नायका से ही खरीदो, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनलिटी की पूरा चांस होता है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही रिसीव होगा। मैं ऑयल मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अगर सिर्फ मान लो मैं ये ऑयल करके अगर मैं इस शैम्पू यूज करती हूँ तो मुझे कंडीशनर की नीड ही नहीं होती, मुझे कंडीशनर करने की जरूरत नहीं है, और अगर मेरे बाल थोड़े उड़े उड़े मुझे फील होते तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना थोड़ा सा अपना सीरम लेती हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बताया मैं कौन सा सीरम यूज करती हूँ, अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा सीरम यूज करती हूँ तो मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखना, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो मैं उस सीरम को यूज करती हूँ, और वो सीरम सबसे बेस्ट है, सबसे कम पैसों में मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट सीरम है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उससे महंगा सीरम उस जैसा रिजल्ट दे सकता है। सो इस शैम्पू की बात मैं एक बताना भूल गई, कि अगर आप सिंगल बंदा इसको यूज कर रहा है, इस बॉटल को यूज कर रहा है, और हफ्ते में 3 से 4 बार यूज कर रहा है, तो ये बॉटल आपको 3 to 4 months निकाल देगी, आपको जरूरत नहीं है बाय करने की, और 312 रुपीज अगर आप 3 to 4 months के लिए नहीं खर्च कर सकते तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे बेस्ट शैम्पू लगता है कि मेरे बाल को स्ट्रेट भी करता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई थिंक कि आपको आंसर मिल ही गया होगा, और मैं इतना आउटिंग करती हूँ, इतना हम बाहर जाते हैं, इतना हम ड्राइव करते हैं, इतना हमारे बालों में डस्ट लगती है, उसके बाद अगर मैं इसको यूज करती हूँ तो मुझे होता है ना डैंड्रफ भी हो जाता है बाहर इतना आउटिंग करने के बाद, तो मेरा डैंड्रफ भी रिमूव कर देता है ये। सो मुझे बेस्ट शैम्पू लगता है इसलिए ये वाला। सो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये यूज करें, बट
आपके बालों के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि आपको वो सूट करता है नहीं करता. मुझे अच्छे से सूट करता है, मैं इसको यूज करती हूँ, तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड भी करूंगी. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मेरे सोशल हैंडल्स पे जाके आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाके ही मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दूंगी. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो दैट्स इट.